तो हेलो फ्रेंड्स, अभी देखें यहाँ पे क्या की तैयारी हो रही है। और इससे पहले जो हमने ब्लॉग लगाया था, उस वीडियो में आपको बताया था कि आज जो है मेरा छोटा बेटा का है बर्थडे। तो उसी हाँ बर्थडे सेलिब्रेशन में यहाँ पे देख पा रहे हैं माला लेके बैठ गई है प्याज, यहाँ पे छिल लहसुन रही है लहसुन। तो आप सभी का स्वागत है माला शशि ब्लॉग यूट्यूब ब्लॉग। चैनल में गाइड। और हम जा रहे हैं कुछ स्पेशल खाट खुट को काटने के लिए, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। कटिंग तो हो गया है, उसको साफ करना है और क्या सब आज हमारे घर में बनेगा तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तब तक यहाँ पे माला जो है जितना भी उसका मर मसाला है वो तैयार कर रही है। कितना तैयार करेगी? इतना इतना तैयार कर लेना है ना। और मैं चलता हूँ उसको वाश करने के लिए खटखुट को। तो खटखुट का मतलब नहीं समझे, आप देखेंगे तो समझ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा नलका चापा कल। तो ये देखिए गाइस, फाइनली जो है हम बैठ चुके हैं इसको वाश करने के लिए। इसमें देखिए क्या है, ये रहा मुर्गा का चिकन और ये हम मार्केट से लाए थे। ये जो है ना यहाँ पे कटिंग किया गया था हमारे ससुराल में, तो वहीं से भेज दिया है। दिख रहा है कि आप लोगों को? नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देखिए। तो ये वाशिंग अच्छा से नहीं किया था, यहाँ पे जल्दीबाजी में वैसे दे दिया है। मार्केट से लाए तो पूरा तरीका से साफ किया हुआ है। चलो भाई इसको भी वॉशिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये है मार्केट का। मार्केट वाला देखिए कितना साफ सुथरा करके दिया है, तो वो लोग को बेचना है ना, इसलिए। तो गाइस फाइनली यहाँ पे जो है चिकन को धो के हो गया वॉशिंग करके, और अब इसको लेके चलते हैं। पहले मोटर बंद कर देता हूँ। इधर है हमारा मोटर का बटन। चलिए अब जो है इसकी तैयारी जो कर रही है माला, वो इसको सिझाएगी चूल्हा पे। अभी कटिंग हो रही है यहाँ पे प्याज। माला जो है जब तक गई है चावल धोने के लिए, क्योंकि भात और चिकन बनेगा, तो मुझे लगा दिए यहाँ पे प्याज काटने के लिए। और आंख से देखिए कैसे आंसू निकल रहा है प्याज काट काट के। यहाँ पे फाइनली जो है प्याज काट के हो गया है। और आज प्याज काटने में बहुत टाइम लग गया। रीजन ये था कि प्याज का जो है साइज देखिए कितना छोटा छोटा, इस वजह से काफी लेट लग गया। एक्चुअली ऐसा है कि बड़ा वाला प्याज जो है अभी हमारे गाँव में काफी कॉस्टली महंगा दे रहा है, इसलिए छोटा प्याज ही हम लोग अभी यूज कर रहे हैं और बड़ा प्याज नहीं ला रहे हैं। माला वहाँ पे देख पा रहे हैं मोबाइल देख रही है, हमको दे दी प्याज काटने के लिए, वहां पे बैठ के मोबाइल देख रही है। अभी उसका मोबाइल देखना हम छुड़ाते हैं। और क्या देखती है मोबाइल में? देखिए हमेशा कुछ ना कुछ जो है ना मोबाइल में देखते रहती है। क्या देखती है? देखो तो मोबाइल में, ये देख कौन लीजिए। है? खुद का देखेगी वीडियो, दूसरे का नहीं देखेगी। अपना वीडियो इसको लगता है घमंड है कि हम कितना खूबसूरत है, अपना वीडियो अपने देखते रहती है ना, अपने दुनिया में मगन रहती है। तो ऐसे रहे लेकिन माला की दुनिया के लिए वीडियो बना रहे थे, परंतु उस टाइम जो है हमने रील शूट किया। अभी देख रहे कितना व्यूज वगैरह आए, क्या आए, लाइक कितना आए, तो छह ही आए। सही आया, क्योंकि अच्छी है ही नहीं तो सही आएगा, अच्छी रहेगी तभी तो। और यहाँ पे देखिए भात जो है डाल दिया गया है इस जगह पे। अभी हम लोग इस जगह पे खाना बना रहे, जैसे कि ऑलरेडी हमने पहले भी एक वीडियो डाला भी था यहाँ पे, जो हमने अपना न्यू किचन बनाया है मिट्टी भर के। तो यहाँ पे भात पक रहा है और चिकन जो है धो के ला दिए हैं। वो पकने के बाद फिर आगे का जो भी होगा आपको मैं दिखाऊंगा। लो जी मेरा काम हो गया, प्याज काट के पकड़ो। तो मेरा जो भी काम था फ्रेंड्स, मैंने सारा काम कर दिया। प्याज काटना, चिकन को धोना, सारा कुछ ला के दे दिया हूँ माला को। और यहाँ पे माला बैठ चुकी है चिकन को पकाने के लिए, और उसकी तैयारी में यहाँ पे देख पा रहे चूल्हा पे डाल दी है कढ़ाई, उसमें सरसों का तेल और ये गया उसमें फोरन। फोरन में जो भी बेसिक फोरन रहता है वही हम लोग डालते हैं, कुछ ऐसा खास नहीं रहता है। और उसके बाद फोरन जैसे ही पक गया तो यहाँ पे देखिए उसमें चिकन डाला जा रहा है। और चिकन कुछ ज़्यादा ही होगा क्योंकि 1 किलो मैं मार्केट से लेकर आया था, आपको दिखाया था, और 1 किलो जो है मेरे ससुराल से भेज दिया था, तो 2 किलो चिकन हो गया। और खाने वाले हम लोग जो हैं सिर्फ 2-3 बंदे हैं, तो चिकन कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो इसमें से क्या किया, थोड़ा सा जो है 50% फ्राई करके हमने रख लिया, और 50% का जो है तरीदार हमने चिकन बनाया। माला यहाँ पे देखिए, और चिकन अब यहाँ पे माला जो पका रही है वो पक के एकदम रेडी है। और चिकन का देखिए कलर देख के मुँह में पानी एकदम आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हम जब वीडियो शूट कर रहे थे तो कब खाएं कब कढ़ाई से बाहर निकले, ऐसा मन में हो रहा था। और खाना पीना खा के हम लोग सो गए गाइस।
और ये मॉर्निंग का समय है लगभग 9:30 बजे का, जो हमने बत्तख पालन किया हुआ है तो इसको हम लोग नदी में छोड़ते हैं चरने के लिए। तो ये हम नदी में छोड़ने के लिए जा रहे हैं, हमारे घर से जो पूरब साइड नदी है और यहीं पे बत्तख, वो देखिए पानी आपको दिख रहा होगा बाजू में, इसी पानी में बत्तख को छोड़ देते हैं। और ये हमारा जो खेती है घर से पूरब साइड, उस खेती का कुछ ऐसा नज़ारा है, देख पा रहे हैं चारों तरफ से हरा भरा धान एकदम लगा हुआ है। और कुछ दिन के बाद अब हमारा धान जो है बस तैयार होने ही वाला है 10-15 दिन के बाद। और यहाँ पे माला फिर से सुबह का जो खाना पकाएगी उसकी तैयारी में लग चुकी है, इसके जलावन लाने के लिए, क्योंकि ये जलावन में ही खाना बनाते हैं, गैस पे ही है हमारे पास, बट गैस में ज़्यादा खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि गैस ज़्यादा यूज करने से फिर भराने में पैसे भी लगता है और जलावन तो काफ़ी है हमारे यहाँ, तो जलावन में ही खाना बनाते हैं। यहाँ पे सुबह का भी जो है खाना देखिए पक चुका है। और खाना पकने के बाद फिर ये जब नहा धो के आई तो उसके बाद यहाँ पे रूम में पोछा लगा रही है। इनका नियम ही ऐसा है कि मतलब खाना वाना बनाने के बाद नहाने के लिए जाते हैं और नहा के जैसे आते हैं तो पूरा रूम में पोछा लगाते हैं। उसके बाद इसका जो भी आरती पूजा है वो पूजा उजा करती है, जो भी हमने भगवान को अपने घर में स्थापित किया है, जितने भी देवी देवता हैं सबसे इनका जो भी मन्नत रहता है वो मन्नत मांगती है। उसके बाद ये खाना पीना खाते हैं, जब तक ये घर में पोछा न मार ले, जब तक इनको पूरी साफ सफाई न हो जाए, भगवान को आरती पूजा न कर ले, नहाने के बाद तब तक ये खाना भी नहीं खाती है और हम लोग को भी खाने के लिए नहीं देती है। लेकिन जब भूख भूख लग जाता है तो गाइस बीच में हम नाश्ता उश्ता कर लेते हैं और खाना खाने के बाद आगे क्या हुआ देखिए आप कंटिन्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी जो है समय लगभग 1 बज चुका है, हम लोगों ने खाना पीना सबने खा लिया और खाना पीना खाने के बाद हम भी थोड़ा चले गए थे आराम करने के लिए। और हमको छोड़ करके जो है ना मेरी यहाँ पे देख पा रहे जीवन साथी आके अकेले अकेले यहाँ पे बिस्तर का अकेले मजा ले रही है, आते समय हमको बोलती भी नहीं, चलिए हम कहीं भी सोए रहेंगे ना तो हमको आके नहीं बोलेगी, अकेले आके यहाँ पे सो जाएगी, ऐसा कुछ इसका नियत में खोट है, इसलिए मेरे को नहीं जगा, मेरे को नहीं उठाती है सोने के लिए ना। फिर और रात में जो चिकन और भात खाए तो उसका नशा अभी तक है, सुबह में खाना बोल नहीं आ रहे थे, रात का चिकन भात अभी खाई है। और रात में चिकन बनाते समय यहाँ पे देखिए रात में जो चिकन बनाते समय हाथ जला है, मुर्गा का जो आंख था ना वो जो सही तेल में डाला तो ब्लास्ट हो गया, इसलिए ये जल गया है है ना। लेकिन तुम क्या बोले, हम जाते हैं थोड़ा आराम करेंगे, सिलाई कटाई करेंगे और आप वीडियो एडिटिंग कीजिए, हम माला की दुनिया के लिए वीडियो एडिटिंग करने लगे और तुम आगे यहाँ पे सो गई। देखिए कैसे आंख खुलना चाह रही, नसो एक बार ये देख लीजिए। तो गाइस आज का वीडियो बस यहीं पे एंड करते हैं और दूसरा रूटीन का वीडियो जो भी हमारा रहेगा लव मैरिज कपल का वो लेके आएंगे। आप लोग माला की दुनिया पे जरूर जाइएगा, वहाँ पे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था माला को, क्या किया था जी बोलो, तुम बोलो अभी, सारी पहन के फुल फेस कवर करके क्लीनिंग वीडियो बनाने के लिए बोले थे, किचन क्लीनिंग। तो बहुत अच्छा वीडियो बना, आप लोग जाके माला की दुनिया पे विजिट कीजिए और इसमें जो साड़ी बांध के पूरा फेस किचन क्लीनिंग का काम किया है वो जाके देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक हम दोनों कपल को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।